है वो है वेलफेयर पेरेटो का विशिष्ट चालक और ध्यान तर्क की अवधारणा। देखिए समाजशास्त्र में वेलफेयर पेरेटो ने तार्किक और अतार्किक क्रिया जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, अभिजात वर्ग का परिक्रमण का सिद्धांत, आज जो सिद्धांत आता है विशिष्ट चालक और ध्यान तर्क। देखिए क्या कभी आपने विशिष्ट चालक और ध्यान तर्क ऐसे शब्द सुने हैं? कठिन है ना। देखिए मैं आपको पहले ये टू बी वेरी फ्रेंक इसको क्लियर कर देती हूँ कि जो ये शब्दावलियां हैं विशिष्ट चालक की और ध्यान तर्क की, खुद परेटो ये कहते हैं कि ये उन्होंने सिर्फ एक किसी संकेतों के रूप में ली है मनोवैज्ञानिक आधार पर। आप इसे समझने के लिए, इन शब्दों को समझने के लिए दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये सिद्धांत आपने क्यों दिया? देखिए पेरेटो कहते हैं मनुष्य के व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। हमारा जो मानव व्यवहार है वो मानव व्यवहार के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष होता है स्थिर, स्थिर कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, एक जगह निश्चित रहता है। दूसरा पक्ष होता है परिवर्तनशील। देखिए वेलफ्रेड पेरेटो कहते हैं मनुष्य के व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष स्थिर पक्ष, दूसरा पक्ष क्या होता है परिवर्तनशील, जो हमारा बदलता रहता है। पेरेटो ने मनुष्य के व्यवहार के प्रथम पक्ष स्थिर पक्ष को कहा है विशिष्ट चालक। इसको इन्होंने कहा है विशिष्ट चालक, इसको उन्होंने बताए थे। प्रथम जो मैं स्थिर पक्ष की बात कर रही हूँ, स्थिर पक्ष को उन्होंने क्या बोला है विशिष्ट चालक, और दो परिवर्तनशील पक्ष है उसे उन्होंने बोला है देखिए विशिष्ट चालक एक विशेष प्रकार की प्रेरणाएं हैं। उन्होंने कहा विशिष्ट चालक क्या है, मनुष्य जो व्यवहार करता है, हम दिन प्रतिदिन या जो अपना व्यवहार, हमारा व्यवहार नहीं कहते, अरे इनका ये तो व्यवहार कुशल है ना, व्यवहार के लिए संबोधित किया जाता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार करता है उसके व्यवहार में जो होता है संपादन में प्रेरणाओं का बहुत महत्व होता है। वो अपनी आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर क्रियाएं करता है और व्यवहार करता है। हम व्यवहार कैसे करते हैं, खुद तुम सोचो, जब हम बड़े खुश होते हैं तो हम आने जाने सबको विश करना बहुत खुशी लगता है कि हम अंदर से प्रसन्न है, है ना। प्रेरणाएं ध्यान से समझो, क्योंकि पेरेटो कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में जो विशिष्ट चालक है उनमें संपादन में विशेष प्रेरणाओं का महत्व होता है। प्रेरणाएं कहते हैं आंतरिक प्रेरणाएं, मतलब मनुष्य आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, यदि मैं प्रसन्न हूं या आप प्रसन्न हैं, आपका व्यवहार भी उसके अनुरूप होगा। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो चालक की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं पेरेटो ने, विशिष्ट चालक की कुछ विशेषताएं बताई हैं। विशेषताएं पहली उन्होंने बताया है विशिष्ट चालक स्थिर होते हैं। विशिष्ट चालक क्या होते हैं, स्थिर। इसका मतलब क्या हुआ, अपेक्षाकृत स्थित। स्थित होते हैं विशिष्ट चालक जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब वो बदलते नहीं है, हमेशा एक जैसे ही बने रहने की संभावना होती है। दूसरा विशिष्ट चालक क्या होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। विशिष्ट चालक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। देखो बच्चों एक बात मुझे याद आया, नेट में एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि विशिष्ट चालक किस प्रकार होते हैं, स्थिर होते हैं अस्थिर होते हैं, स्थिर अस्थिर दोनों होते हैं, दोनों में से कोई नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो इन्हीं में से, ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा ये फर्स्ट पॉइंट कि विशिष्ट चालक की जो विशेषता है या उसकी प्रकृति है वो किस प्रकार के होते हैं, स्थिर होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर अस्थिर दोनों होते हैं। तो ध्यान रखना विशिष्ट चालक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। दूसरा विशिष्ट चालक क्या है, वो मूल प्रतियां भावनाएं नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मात्र है। दूसरा विशिष्ट चालक को तार्किक आधार पर सिर्फ नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है इसमें विशिष्ट
चालक को तार्किक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तर्क किसे कहते हैं? फैक्ट को। तर्क लॉजिक जिसे हम कहते हैं। विशिष्ट चालक जो है उन्हें तार्किक आधार पर, लॉजिक आधार पर, ये कोई साइंस नहीं है कि हम कहते हैं कि दिन रात क्यों हुई, कि सूरज के छिपने से रात हुई है, ये वो साइंस नहीं है। ये तो मनुष्य का व्यवहार है और व्यवहार कब बदल जाए या कब स्थिर रहे हम कुछ बता नहीं सकते। तो इन्हें तार्किक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। किनको? विशिष्ट चालक को। तो ध्यान रखना, विशिष्ट चालक तार्किक आधार पर प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। एक तो मैंने पहले बताया, पहला कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति या प्रेरणाएं उसी के अनुरूप होती है। दूसरा पक्ष, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? मन उदास सा, गुस्सा आना, परेशान होना, चिड़चिड़ापन, तो वैसे ही हमारी प्रेरणाएं होती हैं। हम किसी को साइड देखते नहीं, जान के इग्नोर कर देना, विश ना करना, मन उदास रहना, दुखी रहना, किसी काम में मन ना लगना। तो कहने का मतलब, जो पेरेटो कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष उन्होंने बताया स्थिर पक्ष, जिसे उन्होंने कहा है विशिष्ट चालक, दूसरा मनुष्य के व्यवहार का परिवर्तनशील पक्ष, जो परिवर्तनशील पक्ष है वो है भ्रांतर। विशिष्ट चालक में पेरेटो कहते हैं कि व्यक्ति की प्रेरणाओं का अधिक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरेटो कहते हैं कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है वो उसकी भावनाओं और मूल प्रवृत्तियां नहीं है। जो विशिष्ट चालक है, मनुष्य की जो भावनाएं और मूल प्रवृत्तियां हैं ये नहीं है, इनकी अभिव्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाती हूँ तुम्हें, जैसे थर्मामीटर, सबको पता है क्या है? yes, थर्मामीटर में जब पारा ऊपर जाता है उसका मतलब क्या होता है? ताप बढ़ रहा है, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब तुम्हारे सामने वो होता है थर्मामीटर, हम जब किसी का तापक्रम नापते हैं तो उसका पारा बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ताप बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति के विशिष्ट चालक है वो मूल प्रवृत्तियां और भावनाएं नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति है। जैसे थर्मामीटर का पारे में ताप का बढ़ना उसकी अभिव्यक्ति है कि वो ताप बढ़ रहा है, इसी प्रकार विशिष्ट चालक भावनाएं नहीं है। व्यक्ति की भावनाएं जो होती है ना, भावनाएं या मूल प्रवृत्तियां, वो नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब, मैंने बताया था व्यक्ति गुस्सा है, व्यक्ति दुखी है, तो ये मूल भावनाएं अभिव्यक्तियां हैं। तो लेकिन जब वो उसके अनुरूप व्यवहार करता है, अभिव्यक्ति करता है, तो वो विशिष्ट चालक है। आई बात समझ में? उनकी अभिव्यक्ति विशिष्ट चालक है। पेरेटो कहते हैं विशिष्ट चालक कई प्रकार के होते हैं। पेरेटो ने कई प्रकार के विशिष्ट चालकों की बात की है और उन्होंने बताया है, कुछ विशिष्ट चालक मैं आपको बता दे रही हूं। जैसे उन्होंने बताया है सम्मिलन के विशिष्ट चालक, सम्मिलन के विशिष्ट चालक। दूसरा, अभी इनको डिफाइन कर देती हूं मैं, दूसरा है समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक, समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक। बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के, बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। इसी प्रकार नेक्स्ट उन्होंने बताया सामाजिकता के विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक। नेक्स्ट बताया उन्होंने समूह व्यक्तिगत संगठन के विशिष्ट
चालक। देखिए उन्होंने कहा था विशिष्ट चालक कई प्रकार के होते हैं। सम्मिलन के विशिष्ट चालक, पहले विशिष्ट चालक क्या है बताओ मुझे, व्यक्ति के व्यवहार करने का स्थिर पक्ष, उसे उन्होंने बोला है विशिष्ट चालक। पहला विशिष्ट चालक है सम्मिलन के विशिष्ट चालक, जब सभी व्यक्ति मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उसे कहते हैं सम्मिलन के विशिष्ट चालक। इनमें व्यक्ति देखिए जैसा सोचता है उसके अनुरूप उसका प्रतिफल जानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचते हैं तितली जो होती है सुंदर है, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, अगर हम सोचते हैं कि हमारे सपने में तितली आ गई इसका मतलब आज कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने कुछ चीजों को वैसे बांध लिया है और उसी के अनुरूप हम सोचते हैं ये सब चीज भी सत्य और प्रमाणित है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ बुरा देखा, ठीक है, और सपने में हमने देखा, फिर हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा होगा क्योंकि हमने उसके लिए उसी के अनुरूप भावनाओं की अभिव्यक्ति बना ली है कि जैसा देखा है वैसा ही हमारे साथ कुछ अनिष्ट या अशुभ होने वाला है। तो कहने का मतलब सम्मिलन के विशिष्ट चालक। दूसरा समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक। देखिए प्रत्येक जो समूह होता है अपने व्यक्तियों को आपस में संगठित करे रखता है और उसी के अनुरूप उनमें क्या होता है, उनमें व्यवहार के तरीके होते हैं। समूह में संगठन, देखिए समूह के स्थायित्व के, समूह जो होता है एक स्थान पर स्थायित्व होता है, स्थिर होता है, तो समूह में क्या होता है हर एक व्यक्ति का अपने व्यवहार करने का तरीका होता है, वो व्यवहार करता है ना। और सभी समूह के सदस्य कैसे बने रहते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाज त्योहार उनको आपस में बांधे रखता है, सब किसको, समूह को। तो जो समूह के रीति रिवाज व्यवहार त्योहार कर्मकांड के द्वारा एक दूसरे में बांधे रखते हैं तो उसे कहते हैं समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक। एक आता है इसमें बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। बाह्य क्रियाएं, देखो इस समय तुम आप लोग लिख रहे हैं ये तुम्हारी बाह्य क्रियाएं हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं ये बाह्य क्रियाएं हैं। जब हम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार और सारी दीपक जलाना आरती करना ये सब हमारी बाह्य क्रियाएं हैं। इस बाह्य क्रियाओं द्वारा हम क्या करते हैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारा मन भगवान के प्रति नतमस्तक है, श्रद्धा है, तो हमने अभिव्यक्ति की है पूजा आरती करके, फूल चढ़ाकर हम प्रसन्न है, भगवान को प्रसाद चढ़ाकर हमारा कार्य पूरा हुआ। हमने कहा था कि हम मन्नत मांगी थी कि हम परीक्षा में पास हो जाएंगे तो 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो गए पूरा फूल चढ़ाया, पत्ती चढ़ाई, दीपक जलाया, 501 रुपए का प्रसाद अर्पित किया। यानी तुमने बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। बाह्य क्रियाएं क्या है, ये सब कार्य करना, क्रियाएं मतलब कार्य, नमाज पढ़ना, अरदास करना, ये सब व्यक्ति की बाह्य क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिकता के विशिष्ट चालक। सामाजिकता, देखिए सामाजिकता मतलब सोशल, जब हम किसी की मदद करते हैं, कोई गरीब है हमने उसको भोजन दे दिया, ठीक है, हमारी ये आदत में हम किसी को परेशान नहीं देख सकते हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तुरंत हमने कॉल करके एम्बुलेंस को बुला दिया, फिर हमने इसी प्रकार से जैसे पेड़ों में वनों में अग्नि लग गई तो हमने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, अवेयर किया कि चलो मिल सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे और आग बुझाएंगे, तो ये इसे क्या कहते हैं सामाजिकता के विशिष्ट चालक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संगठन के विशिष्ट चालक। देखिए व्यक्तिगत संगठन किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति व्यक्ति जो होते हैं आपस में संगठित होते हैं और हर व्यक्ति संगठित कैसे होते हैं, किन्हीं ना किन्हीं व्यवहारों के कारण, किन्हीं ना किन्हीं कारणों के कारण वो संगठित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संगठन के विशिष्ट चालक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज ने ऐसा काम किया तो हम उन्हें आज तक याद करते आ रहे हैं, उनकी याद में हम विभिन्न धार्मिक क्रियाएं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत संगठन के विशिष्ट चालक। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, विशिष्ट चालक का मतलब देखो पैरेटो कहते हैं मनुष्य के व्यवहार के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक स्थिर पक्ष, स्थिर जो हमेशा एक जैसा रहता है, दूसरा परिवर्तनशील पक्ष। विशिष्ट चालक उन्होंने बोला है
का है, जो मनुष्य के व्यवहार का तरीका है, जो स्थिर है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे हमारी जो भावनाएं की अभिव्यक्ति है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, जो हमारी आंतरिक प्रेरणाएं हैं, जो हमेशा हमेशा हमें एक जैसा बनाए रखती है, तो उसे क्या कहा है उन्होंने, विशिष्ट चालक। दूसरा आता है अब भ्रांतर, डेरिवेशन इन्होंने इसको इंग्लिश में बोला है भ्रांतर। देखिए, जब भी मैं कोई अपनी बात रखती हूँ या कार्य करती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी नजर में ठीक हूं। ध्यान से समझना, भ्रांतक उन्होंने किसे कहा है, जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ, जब भी मैं कोई व्यवहार करती हूँ या सामने वाले के सामने जो मेरा व्यवहार है, मुझे लगता है मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है सामने वाले की नजर में मेरा व्यवहार, मेरा कार्य या कुछ भी जो मैंने संपादित किया है वो ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में आए, आपने, मैंने आपसे कहा था रिसर्च पेपर लिखना, सब लोग अपने अपने तरीके से आप सब लोग रिसर्च पेपर लिख कर लाए। आपने मेरे सामने प्रस्तुत किया, मैंने कहा अरे ये क्या किया पूजा ने, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो मैंने बताया नहीं था। फिर पूजा बताएगी, नहीं मैडम इसका पीछे ये मोटिव है, आपने मुझे ये वाला टॉपिक दिया था, मैंने सुविधा अनुरूप इस वाले टॉपिक को मॉडिफाई करके ऐसे कर दिया क्योंकि इसके साथ मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था, मैटर नहीं मिल रहा था। ध्यान से समझो मेरी बात। देखो, मनुष्य का व्यवहार का अस्थिर पक्ष यानी परिवर्तनशील पक्ष, जिसे उन्होंने कहा है पैरेटो ने भ्रांतर या डेरिवेशन। और वास्तव में डेरिवेशन कहते हैं मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने घर में कुछ खाना बनाया, ठीक है, अपनी सासू माँ के सामने बनाया और उनके सामने परोस दिया, तुम्हें लगा बहुत अच्छा बनाया है, बहुत दिल से बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो जीरे का छौंक लगता है, तुमने तो मेथी डाली है ना। तुम समझाने का प्रयत्न करोगे कि जो मेथी है वो गैस के लिए फायदेमंद है। हाँ, जीरा पड़ता था, लेकिन अगर आपने मेथी डाल दी तो वो गैस के लिए आंतरिक आपकी पाचक क्रियाओं को दुरुस्त करेगी। यानी आपने अपनी बात को दूसरे वाले को समझाने का प्रयत्न किया है। आई बात समझ में? इसको और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे टीवी जब देखते हो तो बहुत सारे एड देखते हो, विज्ञापन, फेयर एंड लवली लगाओ, 5 दिन में गोरा पाओ, देखते हो कि 7 दिन में निखरा निखरा निखार, फिर फेस वॉश से धोओगे तो एकदम गोरे बन जाओगे। क्या ऐसा होता है? लेकिन हम फिर भी खरीद के लाते हैं, वही साबुन लेके आते हैं, वही फेस पैक लेके आते हैं, वही फेयर एंड लवली की क्रीम लेके आते हैं, जबकि हमें पता है उससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत 19-20 का सुधार हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह ऐसे निखरता हुआ नहीं आने वाला है ऐसा। लेकिन वो लोग अपनी बातों को एड के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप ये सफोला जो है सफोला गोल्ड पियोगे, आपका हार्ट ठीक रहेगा, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं रहेगी क्योंकि ये जीरो कोलेस्ट्रॉल है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य के व्यवहार का परिवर्तनशील पक्ष होता है उसे पैरेटो ने कहा है भ्रांतर। भ्रांतर विशेष प्रकार का व्यवहार और क्रियाएं है जिसमें व्यक्ति अपनी बात को समझाने के लिए दूसरे के सामने कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। आजकल फैशन, विज्ञापन, हमारे व्यवहार के तरीके में हम इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसे पैरेटो ने क्या कहा है, भ्रांतर। समझ में आया? विशिष्ट चालक किसे कहते हैं और भ्रांतर किसे कहते हैं, प्रकार बताए अभी तक तो मैंने, सॉरी, भ्रांतर विशिष्ट चालक बताया था, तर्क समझ में आ गया ना, भ्रांत तर्क किसे कहते हैं, भ्रांत तर्क के प्रकार बताए। पहला उन्होंने बताया घोषणाएं, दूसरा बताया अधिकार या सत्ता, अधिकार या अथॉरिटी जिसे कहते हैं, तीसरा उन्होंने बताया मौखिक प्रणाम, मौखिक प्रमाण। देखो मैंने क्या बताया था, भ्रांतर किसे कहते हैं, व्यक्ति जब अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करता है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, उसे उन्होंने कहा था भ्रांतर। भ्रांतर में घोषणाएं,
कई बार घोषणाएं होती हैं। अभी जैसे सरकार ने घोषणा की कि सभी इंटर कॉलेज के छात्रों और डिग्री कॉलेज के छात्रों को क्या दिया जाएगा मुफ्त में, टैबलेट। टैबलेट जोर से बोलो, टैबलेट। वेरी गुड। इसका घोषणा तुम्हारे अंदर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये क्या थी सरकार की घोषणा, घोषणा के माध्यम से। और कई बार देखिए, एक बार मुझे याद है सरकार ने, एक कौन सी सरकार थी, उन्होंने व्यक्तियों बच्चों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा की थी, उनकी सरकार आ नहीं पाई, इलेक्शन हुए तो वो घोषणा क्या हुई, बेकार, निरस्त हो गई। क्योंकि सरकार आती तो वो स्कूटी का प्रबंध करते, उनकी सरकार नहीं आई तो वो स्कूटी नहीं मिली। घोषणाओं के माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जाता है। घोषणाएं क्या होती हैं? घोषणाएं यही तो होती है कि हम अपनी बात को, कि हमने कहा था कि हम इतना मुफ्त अनाज देंगे और हमने दिया, हाँ, यानी हम इनके साथ हैं, प्रमाणित करने का प्रयत्न। फिर अधिकार या सत्ता, सेकंड इसमें अधिकार या सत्ता आई, अथॉरिटी इसको कहते हैं। अधिकार या सत्ता भी कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास अथॉरिटी है कुछ भी कार्य करने की, मेरे से व्यक्ति ने बोला कि मैडम ऐसा करना है, तो मैंने तुरंत उस पर साइन कर दिए कि जाइए आप ये वाला रिसर्च कर सकते हैं। तो अधिकार या सत्ता भी भ्रांतर का एक प्रकार है। और इसमें थर्ड है मौखिक प्रमाण कहते हैं, जब हम मुख से किसी को समझाते हैं। मौखिक प्रमाण एक तो होता है लिखित साक्ष्य, तो मैं कहने लगी इस बार जो कोरोना के मामले है ना, कल ही कल में 25,000 बढ़ गए, तो ये मजाक कर रही है मैडम, तो 25,000 कहाँ बढ़े, तो फिर मैं दिखाने लगूंगी देखो न्यूज़पेपर में छपा है। तो मैंने अपनी अधिकार सत्ता या उसका प्रयोग किया। एक होता है मौखिक प्रणाम या मुंह से बताना, कि मौखिक रूप से प्रमाणित करना कि नहीं ऐसा नहीं है, जो सफोला गोल्ड तुम तेल लोगे उससे दिल की बीमारियां दूर होगी, यही तो विज्ञापन कहते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने तुम्हें कोई वो नहीं दिया, मौखिक प्रमाण दिए कि आप ऐसे फेस वॉश का प्रयोग करोगे तो 7 दिन में गोरापन मिलेगा। तो उन्होंने क्या दिए, मौखिक प्रमाण। तो ये थे भ्रांत तर्क। तो वेल्फ्रेड पेरेटो ने विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है और उन्हें समझा।